नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। किसी भी क्रिकेटर की क्रिकेट लाइफ बहुत छोटी होती है। आमतौर पर तो ऐसा ही होता है। कुछ ही खिलाड़ी होते हैं जो देश के लिए 15 या 20 साल खेल पाते हैं। उसमें भी खेलने वाले खिलाड़ी मात्र 11 ही होते हैं। अब इन्हें अगर टीम में हमेशा जगह ना मिली और बाहर हो गए तो कमाई का जरिया बस घरेलू क्रिकेट ही रह जाता है। आर्थिक स्थिति वैसे भी खराब हो जाती है और घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों को कितने पैसे मिलते हैं ये तो जग जाहिर है। इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक पूर्व खिलाड़ी ने बस की स्टीयरिंग को थाम लिया है, साथ ही एक लोकल क्लब को भी ज्वाइन किया है। मेलबर्न स्थित एक फ्रेंच बेस्ड कंपनी ट्रांसडेब में बतौर बस ड्राइवर बहाल हुए हैं श्रीलंका के पूर्व स्पिनर सूरज रणदीप। जी हां, सूरज रणदीप ने साल 2019 में ऑस्ट्रेलिया का रुख किया था, जहां अब वो बस ड्राइवरी करने के अलावा एक लोकल क्लब के लिए भी क्रिकेट खेलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सूरज रणदीप IPL में भी खेल चुके हैं। इस लीग में वो धोनी की CSK टीम का अहम हिस्सा रहे और साल 2012 में चेन्नई को चैंपियन बनाने में उन्होंने मदद भी की थी। साल 2012 के सीजन में CSK के लिए खेलते हुए सूरज रणदीप ने 8 मैचों में 6 विकेट चटकाए थे। इसके अलावा सूरज रणदीप ने श्रीलंका के लिए क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शिरकत किया है। साल 2011 में भारत में खेले गए क्रिकेट विश्व कप में वो श्रीलंका टीम का अहम हिस्सा रहे। उन्होंने श्रीलंका के लिए 12 टेस्ट मैचों में 46 विकेट अपने नाम किए, 31 वनडे में 36 विकेट हासिल किए, जबकि 7 T20 मुकाबलों में 7 विकेट अपने नाम किए। इंटरनेशनल क्रिकेट में रणदीप का बेस्ट स्कोर 56 रनों का रहा, जबकि उन्होंने अपना आखिरी घरेलू मैच अप्रैल 2019 में खेला था। 36 साल के सूरज रणदीप ऑस्ट्रेलिया में बस ड्राइवरी करने के अलावा लोकल सर्किट पर अब क्रिकेट भी खेलने लगे हैं, साथ ही बच्चों को ट्रेनिंग भी देते हैं। भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी तब उन्होंने MCG में ऑस्ट्रेलिया टीम को स्पिन पर अभ्यास भी कराया था। फिलहाल रणदीप ऑस्ट्रेलिया में क्लब के लिए खेलते हैं और उम्मीद करेंगे कि जल्द ही वो बिग बैश लीग में भी खेलते हुए नजर आए, क्योंकि तैयारी सूरज रणदीप की बिग बैश लीग के लिए भी है। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।